तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप और उसके बाद के झटकों के कारण धराशायी हुई इमारतों में से और शवों के बरामद होने से मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक दोनों देशों में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। हजारों इमारतों के मलबे में बचे लोगों को ढूंढने के लिए बचाव कर्मी काम में लगे हुए हैं। भारत, अमेरिका सहित कई देश राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए टीम भेजे हैं। तुर्की के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि कहारमन मराश इलाके में 6 फरवरी को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद अब तक भूकंप के कुल 435 झटके दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद से राहत और बचाव कार्य के लिए अब तक कुल 60,217 कर्मचारी और 4,746 वाहन और निर्माण उपकरण तैनात किए जा चुके हैं। तुर्की में आए भूकंप के बाद दुनिया के देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कुल 70 देशों की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए तुर्की पहुंच चुकी है। भूकंप के चलते भारी नुकसान हुआ है। कई बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई। भारत से एनडीआरएफ की खोज और बचाव के काम में एक्सपर्ट टीमें तुर्की भेजी गई हैं। उनके साथ उपकरण, वाहन और डॉग स्क्वाड और 100 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल है। भारत ने तुर्की के साथ साथ भूकंप पीड़ित सीरिया को भी C-130J विमान के जरिए राहत सामग्री भेजी है। इसमें 6 टन से अधिक राहत सामग्री, जिसमें 3 ट्रक, सामान्य और सुरक्षात्मक गियर, आपातकालीन उपयोग की दवाएं, सिरिंज और ECG मशीन, मॉनिटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री और उपकरण शामिल है। तुर्की के उपराष्ट्रपति फुअत ओक्ते ने कहा है कि सोमवार को देश में आए भूकंप के बाद तुर्की में कम से कम 5,894 लोग मारे गए हैं और 34,810 लोग घायल हैं। उन्होंने बताया कि अकेले तुर्की में ही इमारतों के मलबे से 8,000 से अधिक लोगों को निकाल दिया गया है और करीब 3,80,000 लोगों ने सरकारी आश्रय स्थलों या होटलों में शरण ली है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में कम से कम 1,832 लोग मारे गए हैं और 3,849 अन्य घायल हुए हैं।